नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतीक्षा किचन वर्ल्ड में आपका बहुत स्वागत है। और एडवांस केक वर्कशॉप सीरीज में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ होममेड प्रीमिक्स, और वो भी दो तरीके के। एक है वेनिला प्रीमिक्स और दूसरा है चॉकलेट प्रीमिक्स। होममेड प्रीमिक्स का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी होम में हमारे अवेलेबल सामान होता है उससे बनाने वाला प्रीमिक्स यानी कि होममेड प्रीमिक्स। इसमें ना ही कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स है और ना ही कोई ऐसे बेकिंग एजेंट्स है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसलिए आप प्रीफर कीजिए कि इस तरीके का होममेड प्रीमिक्स बनाएं। और ये जो प्रीमिक्स है, ये प्रीमिक्स आप 2 महीने तक भी अच्छे तरीके से स्टोर करके रख सकते हो। जब भी आपका मन करे आप इस तरीके का प्रीमिक्स इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रीमिक्स बनाना बहुत आसान है और इसमें उतना ही स्वाद आता है जितना कि मार्केट के केक में आपको स्वाद मिलेगा। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, इस तरीके का ये हमें मेजरिंग स्केल लगेगा और जो साहित्य लगेंगे वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरिंग स्केल के बारे में जानकारी देती हूँ। तो ये है मेजरिंग स्केल, इसे अब हम ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद जो भी आप बर्तन इस्तेमाल करना चाहते हो वो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे जो मैंने बाउल रखा है उसका वेट यहाँ पे दिख रहा है 65 ग्राम। तो मुझे इस बाउल का वेट 0 करना है, इसलिए मैं इसे हटा दूंगी और अब इस ऑफ कर दूंगी बर्तन को रख के, और यहाँ पे हम ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 0 ग्राम का बाउल हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें लगेगा मैदा। मैदा हम यहाँ पे मिलाएंगे 135 ग्राम। तो आप देखिए, ये मैंने 135 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को हम साइड में रख देंगे और अब इसमें हम ले लेंगे चीनी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 85 ग्राम ऑफ चीनी। देखिए, चीनी को भी अब हम अलग से रख देंगे। जो हमने मैदा लिया था इसी में हम चीनी भी मिक्स कर लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर लेते समय 1 + 1/2 TSP हम कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करेंगे। देखिए, 1 + 1/2 TSP यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। चीनी जैसा ही दिखता है, सिट्रिक एसिड जरूरी है, ये सोडे के साथ रिएक्शन करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सिट्रिक एसिड लिया है। 1/4 TSP हम यहाँ पे लेंगे सिट्रिक एसिड, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब हमें लेना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम लेंगे 1 TSP। तो यहाँ पे मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बस जब भी आप कोई केक बना रहे हो तो केक बनाते समय जो भी साहित्य हम यूज कर रहे हैं वो फ्रेश होना जरूरी है। अगर बहुत पुराना आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे केक उतना अच्छे से नहीं फूलेगा या वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा जो हमें जरूरी है। तो बेकिंग पाउडर मैंने 1 TSP यहाँ पे लिया है और बेकिंग सोडा अब मैं लूंगी 1/2 TSP। एडवांस केक सीरीज में हम जो भी केक बना रहे हैं वो इसी तरीके से होममेड प्रीमिक्स से बनाएंगे। होममेड प्रीमिक्स जो है वो आप बना के 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। इससे आपका केक बहुत अच्छा बनेगा और बाजार के जो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं उससे भी आप बचोगे। तो देखिए, ये 1/2 TSP मैंने लिया है बेकिंग सोडा। TBSP यानी कि ये 2 चम्मच हमें लेनी है मिल्क पाउडर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 TSP मिल्क पाउडर ली है और 1 TSP मैं यहाँ पे लूंगी मिल्क पाउडर। इन सब चीजों को
अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें मिक्सर ग्राइंडर से इसे निकालना होगा। तो देखिए इसे हम पीस लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मिक्सी में से चला लिया है और ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कितना बना है ये प्रीमिक्स। तो आप देख सकते हैं प्रीमिक्स अप्रोक्सीमेटली 227 ग्राम बना है, यानी कि हाफ केजी केक बनाने के लिए इतना प्रीमिक्स हमें आवश्यक होता है, इतना हमारा प्रीमिक्स बन चुका है। तो एडवांस केक वर्कशॉप में हम जो भी केक बनाएंगे वो इसी प्रीमिक्स से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चॉकलेट प्रीमिक्स बनके तैयार है। इसमें हमने सेम वही मेजरमेंट्स लिए हैं जो हमने वेनिला प्रीमिक्स में लिए थे, सिर्फ हमें यहाँ पे 2 TBSP मैदा कम करके वहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 TBSP कोको पाउडर। देखिए इस तरीके से, कोई भी कोको पाउडर आप ले सकते हैं। ये हमने 2 TBSP ऐड किया था और ये अब हमारा बन चुका है चॉकलेट प्रीमिक्स। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।